हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे कलर राइम, चैप्टर 4। ये पोएम है आपकी कलर राइम, इसको हम रीडिंग करेंगे आज। ब्लू इज़ द सी, ब्लू मतलब नीला सी समुद्र। ग्रीन इज़ द ग्रास, ग्रीन मतलब हरा, ग्रास घास। ग्रे आर द क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी बादल आपके ग्रे कलर के हैं। एज दे स्लोली पास, और वो धीरे धीरे जा रहे हैं, स्लोली मतलब धीरे। ब्लैक आर द क्रोज, ब्लैक मतलब काला, क्रोज कौवे, कौवे काले हैं। ब्राउन आर द ट्रीज, पेड़ भूरे रंग के हैं। वाइट आर द सेल्स, जो पाल नौका हैं वो सफ़ेद रंग के हैं। ऑफ डेड बोट इन द ब्रीज, और वो ये जो नौकाएं हैं वो ब्रीज मतलब बह रही हैं, जेंटलमैन प्यारी की हवा के साथ धीरे धीरे बह रही हैं। तो ये थी आपकी पोएम, इसको आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं गुड हैंड राइटिंग के साथ। अब हम इसके हार्ड वर्ड्स करेंगे। बी एल यू ई, ब्लू एस ई ए सी जी आर डबल ई एन, ग्रीन जी आर एस एस ग्रास, जी आर ई वाई ग्रे, सी एल ओ यू डी एस क्लाउड्स, एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई स्लोली, बी एल ए सी के ब्लैक, सी आर ओ डब्ल्यू एस क्रोज, बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन, टी आर डबल ई एस ट्रीज, डब्ल्यू एच आई टी वाइट, एस ए आई एल एस सेल्स, बी ओ ए टी ब्रोट, बी आर ई जेड ई ब्रीज। तो ये हार्ड वर्ड्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए और इनको लर्न कीजिए। सेल्स, एस ए आई सेल्स होती है पाल नौका, इसको राइट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। और हिंदी में करेंगे बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द। सूरज, झूला, कबूतर, आलू, भालू। और ये कुछ और शब्द हैं, बूढ़ा, तराजू, मजदूर, चूड़ी, ऊन, दूध, पूजा, झाड़ू, धूप। तो आपने अपनी नोटबुक में बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द लिखने हैं। और यहाँ पर आपने चित्रों के नाम को पूरा करना, यहाँ पर आपने चित्रों के नाम को पूरा करना है, जैसे आलू, भालू, तरबूज, अमरूद। तो आपने खुद प्रैक्टिस करके बड़ी की मात्रा के शब्दों को पूरा करना है। मैथ्स में करेंगे आज स्टोरी सम्स। स्टोरी के अकॉर्डिंग कुछ प्लस हैं, उनको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखो, 3 कप्स हैं लाइन के, और यहाँ 2 मोर कप्स हैं, और तो 3 और 2 कितने हो गए, हाउ मैनी कप्स इन ऑल, 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 और 2 को आपने प्लस कर देना है, तो आपका आंसर आ गया 5। अब ऐसे ही यहाँ 4 सीट्स हैं इस मूंगफली में, और इस मूंगफली में 5 सीट्स। तो आपको टोटल काउंट करके पहले आपने 4 लिखना है, फिर 5, इसको प्लस कर देना है। यहाँ पर 7 एप्पल्स हैं, और यहाँ पर 2 मैंगोज हैं। 7 और 2 कितना हो गया, तो आपको काउंट करना है, 7 और 2 को प्लस करके यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। और यहाँ पर वास में 6 फ्लावर हैं, और 4 भी उसमें 4 और डाल दे रही हूँ, 6 में 4 और ऐड कर दीजिए। हाउ मैनी फ्लावर्स आपको काउंट करना है, 6 और 4 को प्लस करना है। आप फिंगर की हेल्प से भी प्लस करते हैं सकते हैं, लाइंस खींच के भी प्लस कर सकते हैं। और यहाँ पर है कृष्णा हैज़ 5 टिफिन बॉक्स, कृष्णा के पास 5 टिफिन बॉक्स हैं, और फिर 2 टिफिन बॉक्स आ गए, एक इसके पास भी 2 टिफिन बॉक्स है, कृष्णा और इसके पास 2 हैं, तो पूरे मिला के कितने हो गए, तो आपको प्लस करना है, 5 और 2 को ऐड कर देना। तो ये आप आज आपका वर्क था, इसको आप अपनी नोटबुक में कीजिए या और बुक में भी कंप्लीट कीजिए। ईवीएस में पढ़ेंगे आज चैप्टर 6 नेबरहुड सर्विसेज। नेबरहुड यानी अपने आसपास की जो आपकी सर्विसेज हैं, नेबरहुड होता है आपके आसपास का एरिया। वी सी मैनी प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स नियर आर हाउसेज, हम बहुत सारी प्लेस स्थान यानी बिल्डिंग्स और भवनों को देखते हैं, नियर आवर हाउसेज, हाउसेज के नज़दीक। दे मेक आप अवर नेबरहुड, वो हमारा नेबरहुड यानी हमारे आसपास के एरिया का निर्माण करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक, मार्केट, स्कूल, बस स्टॉप,
हॉस्पिटल एंड पोस्ट ऑफिस, हमारे आसपास ये सारी चीज़ें होती हैं। पार्क होता है इज़ ए प्लेस वेयर वी गो टू प्ले इन फ्री टाइम, हम फ्री टाइम में खेलने जाते हैं। मार्केट इज़ ए प्लेस वेयर वी गो टू बाई डिफरेंट थिंग्स, हम मार्केट यानी बाज़ार वो जगह है जहाँ हम अलग अलग चीज़ें खरीदने जाते हैं। और हॉस्पिटल इज़ ए प्लेस वेयर वी गो वैन वी आर सिक, हॉस्पिटल वो स्थान होता है जहाँ हम बीमार पड़ते हैं तब जाते हैं। बैंक इज़ ए प्लेस वेयर वी कीप अवर मनी सेफ, बैंक यानी वो होता है जहाँ पर हम अपना धन सुरक्षित रख सकते हैं। स्कूल इज़ ए प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी, स्कूल आपको पता ही आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं। बस स्टॉप इज़ ए प्लेस वेयर वी गो टू कैच ए बस, बस स्टॉप से हम अपनी बस पकड़ते हैं खड़े होकर। पोस्ट ऑफिस इज़ ए प्लेस वेयर वी बाय स्टैम्प्स इनवेलप्स एंड पोस्ट कार्ड एक्सेट्रा, हम पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प्स टिकट इनवेलप लिफाफे और पोस्ट कार्ड और भी कुछ दूसरा सामान ले सकते हैं, और हम पोस्ट ऑफिस में अपना धन भी सेफ रख सकते हैं। एन ऑटो स्टैंड इज ए प्लेस वेयर वी गो टू फाइंड ऑटो रिक्शाज, और ऑटो रिक्शा वो होते हैं जहाँ से हम ऑटो रिक्शा पकड़ सकते हैं, ऑटो रिक्शा स्टैंड ये बने हुए। ये मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन इज ए प्लेस वेयर वी गो टू कैच ए मेट्रो, जहाँ से हम अपनी मेट्रो ट्रेन पकड़ते हैं। नो मोर, और जानते हैं देर इज ए पुलिस स्टेशन इन आवर नेबरहुड, पुलिस स्टेशन भी होता है हमारे एरिया में। पुलिस कीप अवर नेबरहुड सेफ, पुलिस हमारे नेबरहुड हमारे आसपास के एरिया को सुरक्षित रखती है। तो ये चीज़ें थी जो आपने आज पढ़ी। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, एक शब्द में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फ्रॉम वेयर डू वी बाई स्टैम्प्स एंड पोस्ट कार्ड्स, हम स्टैम्प्स और पोस्ट कार्ड कहाँ से लेते हैं? पोस्ट ऑफिस से, यानी डाकघर, हिंदी में पोस्ट ऑफिस को कहते हैं डाकघर। फ्रॉम वेयर वी कैन वी कैच ए मेट्रो ट्रेन, और मेट्रो ट्रेन हम कहाँ से लेते हैं? मेट्रो स्टेशन, METROSTATION, मेट्रो स्टेशन। तो अब आप कंप्लीट द नेम्स ऑफ द प्लेस आपको कंप्लीट करने हैं। ये आपका BUS बस, STANDs बस स्टैंड है, सॉरी बस स्टॉप, STOP बस स्टॉप, हॉस्पिटल, और ये आपका है स्कूल। तो आपको इसकी स्पेलिंग खुद फिलअप करनी है। और ये आपका है फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। मेट्रो स्टेशन इज ए प्लेस वेयर वी कैच ए मेट्रो, मेट्रो हम पकड़ते हैं मेट्रो स्टेशन से। मार्केट इज़ ए प्लेस वेयर वी गो टू बाई थिंग्स, मार्केट से हम जरूरी सामान खरीदते हैं। पार्क इज़ ए प्लेस वेयर वी गो टू प्ले इन फ्री टाइम, फ्री टाइम में हम पार्क जाते हैं खेलने। स्कूल इज़ ए प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी, स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं। टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, वी कीप अवर मनी सेफ इन ए बैंक, राइट सही स्टेटमेंट है कि हम अपना मनी सेफ रखते हैं बैंक में। वी गो टू प्ले इन ए हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल में खेलने जाते हैं, नो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एम यहाँ पर है टिक द मार्क द करेक्ट ऑप्शन में आपको मार्क करना है। टू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम ए डॉक्टर वी गो टू ए हॉस्पिटल, हम ट्रीटमेंट के लिए यहाँ जाते हैं हॉस्पिटल, आपको सही वर्ड पर मार्क करना है। टू प्ले इन एक्सरसाइज, खेलने और एक्सरसाइज के लिए जाते हैं हम पार्क में। टू वॉच ए फिल्म, फिल्म देखने के लिए हम जाते हैं सिनेमा हॉल। और टू टेक ए ट्रेन, ट्रेन लेने के लिए कहाँ जाते हैं? वी गो टू एन, यहाँ पर लिखा ऑटो स्टैंड रेलवे स्टेशन, तो आपने रेलवे स्टेशन पर टिक करना। तो ये वर्क था आज आपको, जो आपको अपनी नोटबुक या बुक ले चुके हैं तो बुक में करना है। ओके किड्स, टेक केयर, गुड बाय।